नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज अ शॉपकीपर कीप्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग। ये पता किस तरह का क्वेश्चन है आपका, जैसे लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था आपका या वो हॉस्टल वाला क्वेश्चन था, वैसा क्वेश्चन था। शी टेक्स अ फिक्स चार्ज, तो ऑब्वियसली एक वो फिक्स चार्ज पूछेगा, चार्ज फॉर ईच एक्स का डे। तो पहले इसको एक्स और वाई ले लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज बी, लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी रुपीज वाई। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्या कहा जा रहा है देखो। शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज, 2 दिन का चार्ज तो फिक्स है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे दे रहा। अब लतिका पेड ₹22 फॉर अ बुक कैप फॉर 6 डेज। अब देखो 6 डेज है, 6 को मैं ब्रेक करूंगा तो 2 दिन का चार्ज तो फिक्स है, तो उसने 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज पे किया होगा, तो 2 दिन का तो उसने एक्स ही पे किया होगा, बाकी हर एक्स्ट्रा डे का उसने ₹Y। 1 दिन का वाई, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा, 4 वाई होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये समझ में आ रही है, किसी को डाउट है तो वेव योर हैंड। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, भाई 2 दिन का जो चार्ज है आपका वो फिक्स है, ये तो ₹X ही रहेगा। उसके बाद जितने आप एक्स्ट्रा डे आप आगे यूज करोगे बुक को, अपने पास रखोगे, हर दिन का ₹Y पे करोगे। 1 दिन का वाई, तो 4 दिन का 4 वाई, तो फर्स्ट इक्वेशन होगी क्लियर। तो एक्स प्लस 4Y इक्वल टू 22, तो एक्स प्लस 4Y इक्वल टू क्या हो गया, 22। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे आपको कहा जा रहा है, व्हाइल आनंद पेड ₹16 फॉर द बुक कैप्ट फॉर 4 डेज। अगेन 4 डेज को ब्रेक करो, फिक्स डे चार्ज कितने दिन का है, 2 डेज का, और एक्स्ट्रा उसने कितने दिन रखा है, 2। फिक्स 2 दिन का तो फिक्स है आपका एक्स, फिर रिमेनिंग डेज में हर डे का आपको ₹Y देना है, तो 2 डेज का कितना दोगे, 2 वाई, तो टोटल कितना है 16। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, एक्स प्लस 2Y इक्वल टू 16। ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ये हो गया माइनस माइनस, और ये भी हो गया माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, 4Y माइनस 2Y क्या हो गया, 2Y, 12 माइनस 6 6, 2 माइनस 1 1। ये क्लियर हो गया, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 8। ओहो ज्यादा कर दिया, 6 ही आएगा। है हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चे सोवन तो नहीं गए। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 3 हो गया, क्लियर यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोग भी इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है ना, इजी हो जाता है, तो उसमें कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा ठीक है, जब आपको पता बहुत इजी कैलकुलेशन है, और वही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना हो। ह्यूमन नेचर है, कोई चीज बड़ी आसान होता है उस पर ज्यादा ध्यान जाता ही नहीं है, ध्यान कब जाता है, जैसे बहुत ऐसे रास्ते से जा रहे हो बहुत मुश्किल है, आपको पता गिर सकता हूँ कुछ है, तो बड़े ध्यान ध्यान से चलो, खुला रास्ता है, पता जैसे मर्जी चलो, जैसे गाड़ी ड्राइव करते हो, बहुत ट्रैफिक हो तो बहुत आराम आराम से ड्राइव, अगर समझदार इंसान हो आराम आराम से चले, और वही अगर हाईवे हो, 4 लेन हाईवे है, बस भगाए जा रहे हैं, आंख ही बंद हो रही तो भी चले ही जा रहे हैं, कोई नहीं क्रॉस हो ही जाएगा, ये ह्यूमन नेचर हो, ठीक है। अब क्या करोगे देखो, पुट Y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में, पुट करते हैं सेवन में, पुट करते रहते हैं, X प्लस 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। तो X की वैल्यू कितना, 10। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका फिक्स चार्ज होगा, क्या फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज आ गया आपका ₹10, ₹10, और ये जो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे है ये कितना हो जाएगा, ₹3। क्लियर हो गया क्वेश्चन, चलो मैं आ गया, ठीक है।